दोस्तों, आज मेरा ख्याल आया कि मुझे आपसे कुछ चीज़ शेयर करने का मन है। मैं बड़े दिनों बाद, लॉकडाउन ऑलमोस्ट हम 5वें महीने में चल रहे हैं और मैं अपने गांव आज आया था, और गांव में जब 2-4-6 दोस्तों से मिला, हालांकि अभी भी हम डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, और उसमें एक छोटा सा डिस्कशन चल निकला जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को लेके था, और उसमें सबसे पहले बात शुरू हुई गाँव की पॉलिटिक्स से। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जब वहाँ पे ये बात शुरू हुई कि भाई गांव के इलेक्शन कब होने हैं, तो बोले अभी गांव के इलेक्शन तो अभी नहीं होने, लेकिन जब होंगे तो डेफिनेटली वो जो चीज़ें शुरू होती होंगी तो वो होंगी ही होंगी। मतलब कौन सी चीज़ें शुरू होंगी कि भाई जो एक पक्ष है वो लोगों को मिठाई देना शुरू करेगा, वो मिठाई खिलाना शुरू करेगा, और फिर उसमें खर्चे होंगे तो दूसरा पक्ष भी मिठाइयाँ खिलाना शुरू करेगा। और इस बात पर निकल के आया कि पता लगा कि साहब एक इलेक्शन में गाँव में यानी कि ग्राम पंचायत के इलेक्शन में 20 लाख रुपए खर्च कर देता है। तो मैं सोचने लगा यार, जब ग्राम पंचायत के इलेक्शन में एक आदमी 20 लाख खर्च कर सकता है तो फिर वो नगर पंचायत में कितने करता होगा, और फिर वो MLA के इलेक्शंस में कितने खर्च होते होंगे, और फिर MP के इलेक्शंस में कितने खर्च होते होंगे। और इस सबको जब मिला के देखें तो मुझे लगा कि यार, जैसे हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में या हम जब बिज़नेस वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आना चाहिए। तो कुल मिला के अब जो राजनीति है ना, वो एक इन्वेस्टमेंट हो गई है। उसमें आप कितना इन्वेस्ट करते हो तो वो उस इन्वेस्टमेंट पे अपना शायद ROI तलाश रहा होता है, और उस ROI के लिए फिर वो बाकी काम तो भूल जाता है। फिर उसको अपने ठेके किसको देने हैं, अपना काम किसको कराना है, अपनी सड़क कहाँ डलवानी है, वो सारी उसी चीज़ पे वो लोग लग जाते हैं। तो जो हमारा लोकतंत्र था, जिसको हम कहते हैं जी ग्राम पंचायत से हमारे लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है, तो ये मजबूती तो वहीं से खोखला होना शुरू हो गई है, और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब हम दोनों तरफ से कह सकते हैं, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन वाली बात है कि जी भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर भी जा रहा है और ऊपर से नीचे भी आ रहा है। तो बस सोच के मुझे हैरानी और दुख भी हुआ कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। क्या ये वही लोकतंत्र है जिसको आज़ादी के वक्त हमारे नेताओं ने एक उम्मीद लेके चली थी? और मैं आजकल एक सीरीज़ देख रहा था, बड़ी मशहूर टर्किश सीरीज़ है, अर्तगल जिसमें नाम है। तो मैं मुतासिर भी हुआ उससे, और मुझे उसमें एक सीन याद आ गया उसमें, कि जो उसका मेन कैरेक्टर है, उसका जो बड़ा भाई है, वो अपना एक इलेक्शन जीतने के लिए, सरदार बनने के लिए किसी को सोना देता है। और जब ये बात उसको पता लगती है अर्तगल को, तो वो उस अपने भाई को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो उसके उसूलों के ख़िलाफ़ था। अगर काश ये सारे उसूल हम आज अपनाना शुरू करें तो हमारी ग्राम पंचायतें या नगर पंचायतें या इलेक्शंस, या मैं तो कहूँ बड़े इलेक्शन से लेके छोटे इलेक्शन तक, अगर ये वाला मैसेज उस सब को हम अपना लें, तो शायद हम उस बेहतर लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। जय हिंद।